Now moving to page number 13, secondary memory. We use secondary memory to store data permanently. Secondary memory provides ample space to save data. Secondary memory is also called auxiliary memory or external memory. Beta, when we are talking about secondary memory, so it can store data permanently. Beta, secondary memory mein kya hota hai? Data jo hai permanently hum store kar sakte hain. Aur secondary memory jo hai beta space zyada provide karti hai. ताकि जितना हमें डेटा स्टोर करना हो उसके हिसाब से कैपेसिटी बता देते हैं कि इतना डेटा आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो सकता है. ठीक है. और सेकेंडरी मेमोरी को बेटा दो नाम भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेज दैट हेल्प अस टू सेव डेटा. सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेज आर हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडीज एंड USB drives. Data stored in these devices can only be used by a computer through its primary memory. The main aim of data storage devices is to store data permanently. The primary memory cannot do so. Now, beta, when we are talking about various types of storage devices, beta, secondary memory ki agar hum storage devices ki baat karein, तो वो क्या होता है बेटा, हमें डेटा सेव करने में हेल्प करता है. और कुछ एग्जांपल्स स्टोरेज डिवाइसेस की जो सेकेंडरी मेमोरी में हम डिफरेंशिएट करेंगे वो है बेटा हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और यूएसबी ड्राइव. अभी मैंने आप लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है और प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है. प्राइमरी मेमोरी में बेटा सिर्फ और सिर्फ रैम और रोम इंक्लूड होता है, और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई है, डीवीडी हो गई है या USB ड्राइव. इसका मतलब ये है बेटा जो इंटरनल मेमोरी ना हो, एक्सटर्नल मतलब सीडी डीवीडी ये क्या होते हैं बेटा, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर के अंदर अटैच नहीं होती है. ठीक है. और बेटा इन डिवाइसेस का मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो है डेटा को हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. बेटा अगर हम एडवांटेजेस स्टोरेज डिवाइसेस के एडवांटेजेस पढ़ें तो स्टोरेज डिवाइसेस के एडवांटेजेस क्या हैं? लार्ज स्टोरेज स्पेस. डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. बेटा एडवांटेज ये है कि स्टोरेज डिवाइसेस का एडवांटेज ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं. नंबर सेकेंड, ईजी ट्रांसफर ऑफ डेटा. डेटा सेव्ड इन दीज स्टोरेज डिवाइसेस can easily be transferred from one computer system to the other. बेटा इसका ये भी एडवांटेज है कि हम जो है डेटा सेव अगर हमने एक स्टोरेज डिवाइस में किया हुआ है तो वो स्टोरेज डिवाइस से हम जो है अपने कंप्यूटर या दूसरी डिवाइसेस में भी उसे ट्रांसफर कर सकते हैं. नंबर थर्ड, ईजी टू चेंज डेटा. वी कैन ईजिली चेंज और डिलीट द डेटा सेव्ड इन मोस्ट डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. बेटा अगर हमने स्टोरेज डिवाइसेस में जो भी डेटा स्टोर किया है तो उसको जो है बेटा हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं. ठीक है. चेंजेस कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या डेटा को सेव भी कर सकते हैं वापस से. नाउ कमिंग टू द हार्ड डिस्क. बेटा अब हार्ड डिस्क को पढ़ लेते हैं. द हार्ड डिस्क कंटेन्स अ नंबर ऑफ मेटलिक डिस्क कॉल्ड letters that are coated with a magnetic substance on both sides and therefore can store data on both sides. These platters rotate at a very high speed. They are sealed in a case to ensure a long life. beta agar hum hard disk ki baat kare to hard disk kisse bani hui hoti hai, metallic disk se jisko hum kehte hain platters. जो बेटा जिसकी कोटिंग किससे हुई हुई होती है, मैग्नेटिक सब्सटेंस से. ठीक है. मैग्नेट के सब्सटेंस से उसकी कोटिंग हुई हुई होती है दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी. अब बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंस से इसलिए कोट किया जाता है ताकि उसमें जो भी डेटा स्टोर हो वो जो है दोनों साइड, बोथ साइड्स पे जो है वो डेटा स्टोर हो सके. और बेटा जैसे ही आप उसको अंदर सीडी प्लेस करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर तो क्या होता है,
आप जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो वो क्या होता है, रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उसका जो केस होता है वो क्या करना स्टार्ट हो जाता है, रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है. हार्ड डिस्क कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड द स्पीड ऑफ डेटा एक्सेस इज मच बेटर कंपेयर टू अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दैट इज सीडी फ्लॉपी. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क. वी स्टोर मोस्ट ऑफ द वर्क We do in the computer on hard disk. बेटा अब हार्ड डिस्क जो है ज्यादा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है और अच्छी स्पीड के थ्रू, मतलब उसकी जो स्पीड होगी डेटा को स्टोर करने की वो ज्यादा होगी जबकि दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइसेस है, मतलब जो कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी होगी डीवीडी होगी, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छी स्पीड किसकी होगी बेटा, हार्ड डिस्क की. बेटा जो भी हम हमें स्टोर करना होता है अपना वर्क कंप्यूटर में वो हम किस में करते हैं, हार्ड डिस्क में. नाउ कमिंग टू सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क. अ सीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइस. इट कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज एंड कैन स्टोर अप टू 700 MB डेटा. A CD is mainly of three types. बेटा अगर हम CD की बात करें तो CD जो है CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क. अब इसे हम कब यूज करते हैं बेटा, ये कॉमनली हम स्टोरेज डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं और ये बेटा अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी में आती हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा हम कितना MB डेटा स्टोर कर सकते हैं, 700 MB. और इसमें बेटा थ्री टाइप्स की CD होती हैं, एक होती है CD-ROM, CD-R और CD-RW. CD-ROM क्या होती है, CD-ROM stands for compact disk read only memory. Is a read only CD which comes preloaded with music or data. We can only read the data on it but cannot erase the data on it or save extra data on it. बेटा अगर हम CD-ROM की बात की करें तो CD-ROM stands for compact disk read only memory. ये क्या होता है बेटा, ये जो जब भी हम अपनी कोई भी सीडी बाय करते हैं जिसके अंदर म्यूजिक या सॉन्ग्स या कोई भी प्लेलिस्ट उसमें मौजूद हो तो बेटा हम क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं जब बाय करते हैं उसको, जब हम डीवीडी में लगाते हैं या कंप्यूटर में जब उसे लगाते हैं तो उससे क्या होता है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ वो सॉन्ग्स प्ले करेगा, वो म्यूजिक प्ले करेगा. मतलब इसमें जो है सीडी में हम कोई और डेटा स्टोर नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते या कोई और डेटा सेव नहीं कर सकते. इसमें जो सिर्फ और सिर्फ जो डेटा होगा उसे सिर्फ और सिर्फ ये उसे रीड करे. देन वी हैव CD-R. कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इज अ रिकॉर्डेबल सीडी. द Data written into a CD of this type cannot be erased and hence the CD cannot be used for rewriting. Beta, now if we are talking about CD-R, CD-R stands for compact disc recordable. Beta, ये क्या होती है, recordable CD होती है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है हम data को erase नहीं कर सकते, ठीक है. For example, अगर बेटा कोई आप movie की सीडी बाय कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि उसमें रिकॉर्ड हुई भी होती है. CD-R में जो है मूवी ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई भी होती है, वीडियो रिकॉर्ड हुई भी होती है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते या उसमें आप रीराइट नहीं कर सकते. देन वी हैव CD-RW. कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इज अ रीराइटेबल सीडी इन विच डेटा कैन बी रिटर्न अगेन एंड अगेन आफ्टर Erasing the stored data. A computer needs a CD-ROM player to run a CD. Beta, if we are talking about CD-RW, CD-RW stands for compact disc rewritable. इसमें क्या होता है बेटा, हम अपनी CD को rewrite कर सकते हैं. मतलब ये जो है बेटा, इस CD में जो है कोई data store नहीं होता. ये simple CD होती है, आप इसके अंदर कोई भी data store कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वापस से रीराइट कर सकते हैं या इरेज भी कर सकते हैं. सो आई होप टिल पेज टिल कॉम्पैक्ट डिस्क इट्स क्लियर टू यू ऑल. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम डीवीडी.